Sanu namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasse namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasse namo tassa निकाय दूसरी भाग का एक सुंदर सूत्र है। ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है जानवासभ। क्या नाम है? जानवासभ सूत्र। बहुत समय के बाद तथागत भगवान बुद्ध की जन्म इस संसार में होता है। बहुत समय के बाद प्रज्ञावान बुद्धिमान महान लोगों को तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान सुनने का मौका मिलता है। तो भगवान बुद्ध की धर्म प्राप्त करने का चार कदम है। पहला है सोतापन्न, दूसरा है सकदागामी, तीसरा है अनागामी और अंत में अरहंत। तथागत भगवान बुद्ध की धर्म चार आर्य सत्य धर्म है और कुछ नहीं है। चार आर्य सत्य धर्म मतलब क्या है? प्राप्त करने वाले दुख हैं, वो है दुख आर्य सत्य। नष्ट करने वाले चीज हैं, वो दुख का कारण, वो है दुख समुदय आर्य सत्य। और साक्षात करने वाले कारण है वो दुख निरोध आर्य सत्य तथा प्रयास करने वाले एक मार्ग भी हैं, वो मार्ग हैं दुख निरोध गामिनी पाटिपदा आर्य सत्य। ये चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध की हर एक उपदेश में विस्तार होता है अलग अलग प्रकार से। ये चार आर्य सत्य जान के, चार आर्य सत्य की रास्ता पे जाकर मन बढ़ाकर बहुत सारे लोग देवताओं के पास जन्म लेते थे। तो ऐसा देवलोक में से सुने हुए एक सुंदर प्रवचन है, जानवासभ सूत्र दीर्घ निकाय में है। उस समय भगवान बुद्ध नादिका गांव में विराजमान थे। कहाँ पे थे? नादिका गांव में। नादिका गांव में बहुत सारे लोग मर गए थे। शायद कोई बाढ़ आ गया होगा या तो फिर कोई बीमार, लेकिन नादिका गांव में बहुत सारे लोग का मृत्यु हो गया। नादिका गांव के लोगों के बारे में आनंद बनते जी भगवान बुद्ध जी से पूछा। भगवान बुद्ध जी, नादिका गांव में बहुत सारे लोग का मृत्यु हो गया, उन लोगों के बारे में बता दीजिए, यानी कि उन लोगों के बारे में क्या बताना है? वो आदमी लंबे थे, चौड़े थे, वो आदमी अमीर थे था? नहीं, वे कहाँ गए थे, कैसे मर गए? मरने के बाद कहाँ गए थे? भगवान बुद्ध ने बताया, इन लोगों में से बहुत सारे लोग सोतापन्न थे। 500 से ज्यादा लोग सोतापन्न थे, बहुत सारे लोग सकदागामी थे, अनागामी भी थे। सोतापन्न लोग, सकदागामी लोग, अनागामी लोग ब्रह्मलोक में जन्म लिए थे, देवलोक में जन्म लिए थे, लेकिन अरहंत लोग निर्वाण प्राप्त किए थे। भगवान बुद्ध ने बताया, वैसा वैसा नाम के लोग सोतापन्न हुआ किए थे,
वो लोग सकदागामी थे, वो लोग अनागामी थे, वो लोग अरहंत थे, ऐसे करके बताने के बाद सारे लोगों का दिल में खुशी उत्पन्न हुआ। क्यों? उन लोगों का मृत्यु बेकार बेकार पे नहीं गया है, उन लोग का मृत्यु, उन लोग का कल्याण कल्याण होने के बाद उन लोग का मृत्यु हुआ है। भगवान बुद्ध बहुत बहुत जगह के लोग मरने के कारण उन लोग का कहा जाने वो बताते थे। तो आनंद बंती जी ने सोचा, तथागत भगवान बुद्ध काशी वाजी चेती वत्स कुरु मच्छ सुरसेन गांधार कामभोज इत्यादि दूसरा जगह के लोगों के बारे में तथागत भगवान बुद्ध बार बार बताए थे। उन लोग मरने के बाद कहाँ गए थे, उसी जगह के लोग कितना पुण्यवान थे, ऐसा धर्म की रास्ता पे गए थे, फिर मरने के बाद ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध अंग एवं मगध दोनों जगह के लोगों के बारे में कहीं कुछ बताया नहीं, इसलिए आनंद बंती जी का मन में आ गया मगध जनपद का मगधेश्वर बिंबिसार राजा था। बिंबिसार राजा बहुत धार्मिक थे, अपना देश के लोगों को भी अच्छी तरह सेवा सत्कार सम्मान किए थे। फिर उनका मृत्यु हुआ मगधेश्वर बिंबिसार राजा का, पता नहीं अभी कहाँ है। उनके बारे में कुछ बताया तो बहुत अच्छा है, ऐसी सोच के आनंद बंती भगवान बुद्ध के पास आ करके नमन करके बताया, तथागत भगवान बुद्ध जी हम अकेले ध्यान करते समय ऐसा विचार मेरा मन में आया कि तथागत भगवान बुद्ध काशी कौशल वत्स चेत्य कुरु पंचाल मच्छ सूरसेन इत्यादि उसी जगह जगह के तथागत के शिष्य लोग श्रावक लोग मरने के बाद कहाँ कहाँ गया वो सब बताए थे, लेकिन अंग एवं मगध के बारे में कुछ आप कहीं बताया नहीं मगध के लोग कहाँ गए थे। इसलिए मेरा मन में आ गया तथागत से पूछना चाहते हैं, तथागत भगवान बुद्ध जी तथागत भगवान बुद्ध के ऊपर प्रसन्न है, उन आपके शरण में गए हुए श्रद्धावान गुणवान शीलवान लोग मगध देश में भी हैं, इसीलिए तथागत आप उन लोगों के बारे में कुछ बात बताया तो बहुत अच्छा है, उस मगध के लोगों को भी बहुत कल्याण हो जाएगा, उन लोग भी खुश हो जाएंगे। उसी दिन तथागत भगवान बुद्ध सुबह नादिका गांव में पिंडपात करके वापस गिज्जकावसत नाम का ईटा से बनाया हुआ राउंड कर गुफा जैसा बनाया हुआ घर कुटिया था उसमें आ गया, आकर के ध्यान में बैठ गया, बैठ गया ऐसे हम मगध में जो जो मर गया उन लोग को बारे में देखेंगे। फिर शाम में ध्यान से उठकर उस कुटिया का छा गिरता है ना एक साइड में, उस किनारे एक आसन बिछाया है, उसी आसन पे भगवान बुद्ध बैठ गया। बैठने के बाद आनंद बंती जी भगवान बुद्ध को आके नमन किया, नमन करने के बाद भगवान बुद्ध को देख रहा था आनंद बंद देखते रह गया। पूछा तथागत अलग प्रकार से चमक आपका चेहरा में है, तथागत आपको आज कौन सी ध्यान किए थे, इसका मतलब ध्यान करने से अलग से कोई किसी का भी किन का भी चेहरा चमक रहा है। उनका भी चमकेगा देख रहे थे फिर आप कैसे अच्छे से करेगा था ना ये। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए आनंद ध्यान का फल है, वो ध्यान के बारे में याद रखी, अरहंत लोग भी ध्यान करने के बाद बदल जाता है तुरंत प्रकाश में होता है, तो रोज रोज ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा है ना। क्यों अच्छा? चेहरा का चमकीला पानी के लिए ध्यान करेंगे। आनंद आज हम
ध्यान में बैठ कर के देखा मगध के लोगों के बारे में, वो कहाँ कहाँ गए थे। इसके बाद उन्होंने बताया, आनंद मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक आवाज आ गया, जनवस भो अहं भगवा जनवस भो अहं सुगताति। तथागत भगवान बुद्ध जी, मैं हूँ जनवस, सुगत जी मैं हूँ जनवस। ऐसा आवाज आ गया। आनंद, ये जनवस नाम पहले कभी सुने हैं? तथागत पहले हम कभी नहीं सुने, मुझे याद नहीं, लेकिन ये नाम सुनने के बाद मेरा शरीर का रोमा खड़ा हो गया, मेरा शरीर एकदम थोड़ा हिलने लगा। ये छोटा मोटा कोई किसी का नाम नहीं है जनवस मेरे ख्याल से। इसके बाद बताया आनंद, इसके बाद आवाज आने के बाद कुछ देर में एक सुंदर शरीर से खूबसूरत एक आदमी मेरे सामने आ गया, एक देवता, आकर के नमन करके बताया, बिंबिसारो अहम भगवा बिंबिसारो अहम सुगताति। सुगत मैं हूँ बिंबिसार, तथागत मैं हूँ बिंबिसार। तो जनवास कौन है? बिंबिसार राजा। तथागत मैं अभी वैष्णव दिव्य सभा, वैष्णव देवता के पास जन्म लिया था, वैष्णव दिव्य सभा में हम हैं। और कभी एक बार मुझे मनुष्य लोक में भी जन्म ले सकता है। ऐसे करके बताया, तथागत मुझे पीछे 14 जन्म दिखाई देता है, मेरा 14 जन्म, मेरा पिछला 14 जन्म दिखाई देता है। मैं 14 जन्म में से 7 जन्म देवताओं के पास जन्म लिया, 7 जन्म मानव लोक में जन्म लिया था। तो बिंबिसार राजा का पिछले जन्म का कहानी क्या है? 7 जन्म मनुष्य लोक में, देवताओं के पास। इसका भगवान बुद्ध को बताया, तथागत मेरे पास प्रार्थना था। पहला प्रार्थना है, हम जवान की समय में, उम्र 17-18 साल में, जवान के समय में ही मुकुट पहन के राजा बन गया तो अच्छा है। तथागत मुझे वो मिल गया, जैसा मैंने सोचा वैसा मिल गया। और एक प्रार्थना था, बहुत समय के बाद इस दुनिया में भगवान बुद्ध की जन्म होता है, उन लोग पढ़ाई करते हैं ना गुरुकुल में जाके, तो उसमें उन लोग सीखते हैं ये सब। बहुत समय के बाद भगवान बुद्ध की जन्म होता है, तो उन तथागत मेरे आँखों से दर्शन करने का मौका मिल गया तो अच्छा है, वो दूसरी प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना है, वो तथागत से हम प्रवचन सुनेंगे तो अच्छा है। चौथी प्रार्थना है, वो धर्म हम अनुभूति करेंगे तो, प्राप्त करेंगे तो अच्छा है। ये पांच प्रार्थना था। तथागत मैं उस 4 प्रार्थना को प्राप्त किया है। देखिए, एक राजा होने के नाते राजा के पास कैसी प्रार्थना था, आश्चर्य प्रार्थना है ना। उनमें से एक है लौकिक प्रार्थना राजा बनने का, बाकी 3 लोकोत्तर है। तथागत मैं कभी 4 अपाय में नहीं जाएंगे वापस, मैं जानता हूं। मेरा आशा है कि जल्द से जल्द ही सकदागामी होना, मेरा आशा है। इसका मतलब अभी क्या हो गए हैं? श्रोतापन्न है। भगवान बुद्ध ने पूछा, जनवासब बहुत आश्चर्य बात बोलता है, बहुत समय से स्वर्ग में ही आ गया है, 7 बार देवलोक में, 7 बार मनुष्य लोक में होते हुए, अभी आप फिर कभी 4 अपाय में नहीं गिरने के लिए एकदम तैयार हो गया, आप एकदम बिना डर के कहते अभी हम सकदागामी होने के लिए तैयार हैं।
ऐसा गंभीर बिना डर के आप कैसे कह सकते हैं सब बात। तथागत भगवान बुद्ध जी, ये बुद्ध शासन में ही हम कहते हैं, मैं कहता हूँ। सुगत जी, आपके शासन से बाहर नहीं, आपके शासन से बाहर कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ आपकी मार्ग पे ही पा सकता है। जिस दिन तथागत भगवान बुद्ध जी का दर्शन हुआ, उसी दिन मेरा मन में आ गया, हम चार अपाय में वापस कभी नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जिस दिन भगवान बुद्ध जी से मुलाकात हो गया, उसी दिन सोतापन हो गया। तथागत, आज हम वैष्णवन जी का एक संदेश ले जा रहा हूँ विरूपाक्ष देवराज के पास। विरूपाक्ष विरूल देवताओं के पास ले जा रहा है एक संदेश वैष्णवन जी का। तो समझ लीजिए वैष्णवन जी कितना पावर होगा। इतना मनुष्य लोक में रहे कि मगध का राजबान के भगवान बुद्ध को बहुत सेवा करके सोतापन हो के फिर मरने के बाद वैष्णवन जी के पास जन्म लिया। तो वैष्णवन जी का संदेश ले जा रहा, मतलब वैष्णवन जी कितना पावर होगा। वैष्णवन जी ऐसा है तो वैष्णवन जी इंद्र जी का मंत्री है, इंद्र जी कैसा होगा? वाह, छोटा मोटा नहीं है ना। तो ऐसे जाते समय मैंने देखा तथागत मगध के मृत्यु हुए लोगों के, जो मृत्यु हुआ है उन लोगों के बारे में देख रहे थे। तो मुझे मन में, मेरा मन में आ गया कि तथागत के पास आके बात करने का। तथागत, और एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी दिव्य सभा में, दिव्य मीटिंग में मरे हुए लोगों के बारे में बातचीत हो गया। जो तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य लोग मर जाते हैं, उन लोगों के बारे में देवलोक में भी चर्चा चल रहा है। ये बात भी भगवान बुद्ध को बोलना जरूरी था, इसीलिए हम भगवान बुद्ध के पास आ गया। अभी जनवासर दिव्य देवता दिव्य लोक के बारे में बोल रहा है। दिव्य लोक में असुर पूजा है, फल पूजा कुछ नहीं है, कोई शक नहीं है। तथागत, उसी दिन पूर्णिमा है। हम बताए थे ना पहले, पूर्णिमा के उधर मीटिंग चल रहा है ना, दिव्य सभा है। अभी देखिए सही बात। तथागत, उसी दिन पूर्णिमा है, वर्षावास का अंतिम पूर्णिमा। तो तावतींस दिव्य लोक में एक देव सभा है, सुधर्मा। सुधर्मा देव सभा में सारे चातुर महाराज के, तावतींस इत्यादि सारे देवताओं आ जाते हैं। आ करके बैठते हैं। उसी सुधर्मा दिव्य सभा का प्रेसिडेंट हैं इंद्र जी। उस दिव्य सभा का धृतराष्ट्र देवता पूर्व साइड में बैठकर पश्चिम साइड को देखते रहता है। इसका विरूपाक्ष देवता पश्चिम साइड में बैठते हैं, पूर्व साइड में देख के। इसके बाद वैष्णव देवता उत्तर दिशा में बैठ के रहता है, दक्षिण दिशा को देख के। विरूह देवता दक्षिण दिशा में बैठते हैं, उत्तर दिशा को देख के। चार महान देवता चार दिशा पे से बैठते हैं, धृतराष्ट्र, विरूह, वैष्णव, विरूपाक्ष देवताओं रहते हैं। तथागत, उस दिव्य सभा में 33 विशेष दिव्य कुमार है। विशेष दिव्य कुमार लोग कितना है? 33 है। अभी याद रखिए कैसा दिव्य सभा है। वो 33 इत्यादि परिवार भरा के उसमें रहते हैं। तो ये देवताओं
अपने अपने आसन पे बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध जी देवताओं के पास जन्म लेते हैं, नए नए देवताओं बहुत बहुत जन्म लेते हैं। सारे के सारे लोग तथागत गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के शासन में पुण्य किए हुए लोग हैं। उन लोग क्या क्या किया, काय सुचरितेन समन्नागता। काय सुचरितेन समन्नागता मतलब काय सुचरित किया है, शरीर से पुण्य किया। क्या है, हत्या चोरी व्यभिचार नहीं किया। वाची सुचरितेन समन्नागता वचन से सुचरित किया। वचन का सुचरित किया है, झूठ नहीं बोला, सत्य बोला, चुगली नहीं किया, बकार हाँ गाली नहीं दिया, इसके बाद फालतू नहीं बोला। मनो सुचरितेन समन्नागता मन सुचरित में तीन प्रकार हैं। पहला है दूसरों का संपत्ति देख करके लोभी मन से जलन करते रहता है संपत्ति पर दूसरों का। दूसरा है क्रोधी गुस्सा मन से रहता है परेशान करके दूसरों को। तीसरा है मिथ्या विश्वास पर रहता है, वो मनोसुचरित। इसके बाद अरियान अनुपवाद का, आरे लोगों को कभी अपमान नहीं किया, चोदना नहीं किया, गलत गलत बात कभी नहीं बोला। आरे लोग, आरे लोग कौन है, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के शिष्य लोग। शिष्य लोग कौन है, जो कोई भगवान बुद्ध के रास्ते पे जाते हैं उन लोग, आप लोग। समाधिट्ठि का, समाधिट्ठि में रह गया, समाधिट्ठि का समाधान, समाधिट्ठि में समाधिट्ठि का ही कार्य किया है। ऐसे लोग देवताओं के पास जन्म लेते हैं। लेकिन तथागत इसका आश्चर्य क्या है, बाकी देवताओं से ज्यादा अभी जो नए जन्म लेते ना उन लोग सुंदर हैं, बाकी देवताओं से ज्यादा चमक रहा है, बाकी देवताओं से ज्यादा महेशाक्य हैं तथागत। बाकी देवताओं को बहुत खुश हैं, बाकी तावती से देवताओं को बहुत खुश। देवताओं खुशी मन से ऐसे बोलते हैं, दिब्बावत भो काया परिपूरंती। अरे देखिए देखिए, इतना सारे देवताओं आ जाते हैं, अभी देव लोग भर जाएंगे पुण्यवान लोगों से। हायंति असुर काया, असुर लोक अभी पतन हो जाएगा। देव लोग बढ़ते समय असुर लोग क्या होता है, पतन होता है। ऐसा है तो भगवान बुद्ध की शासन में क्या बढ़ता है, देव लोग बढ़ जाता है, असुर लोग वर्तमान में देवलोक बढ़ता है। जो जो मर जाता है देवलोक में जाता होगा, असुर लोग जो जो मर जाता है सब असुर में जाता है, प्रेत ऐसे असुर में जन्म लेते हैं। ऐसा होने का कारण क्या है, काय सुचरित नहीं है, काय दुश्चरित है, शरीर से पाप करता है। वाची दुश्चरित है, वाणी से पाप करता है। मनो दुश्चरित है, लोभी मन से रहता है, गुस्सा से रहता है, मिथ्या विश्वास सभी लोग डूबे हुए रहते हैं। इसके बाद अरियान उपवाद का, आर्य लोगों को बदनाम करता है, डांटता है, कई प्रकार की बात बना देता है आर्य लोगों को। इसके बाद मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि हो जाता है, मिथ्या दृष्टि में होते हुए काम करके वो लोग मरने का असुर लोक में चल जाता है। तो ये देखने के बाद देवताओं बताते हैं, मोदन्तिवत भो देवा तावतिंसा सहिंदका तथागतं नमस्संता धम्मस्सच सुधम्मतं। इंद्रजी इत्यादि तावतिंस देवता बहुत खुशी से रहते हैं, तथागत भगवान बुद्ध को वे लोग नमन करते रहते हैं देवलोक में। ये धर्म का आश्चर्य के बारे में बात करते रहते हैं ये गाता। इसके बाद देवताओं का भी बोल रहे हैं ऐसा, नचे देवे च पश्यन्ता वान वान्ते यशस्विने सुगतस्मिन् ब्रह्मचर्यं चरित्वान इदागते।
सुगत भगवान बुद्ध के शासन में गुण धर्म में रहकर तथागत भगवान बुद्ध के शासन में धर्म की रास्ता पे जाकर आए हुए नए नए देवताओं सारे के सारे लोग सुंदर हैं, यशस्वी हैं, यशकीर्ति हैं, चमक रहा है हम बाकी देवताओं से ज्यादा। ते अन्य अतिरोचन्ति वन्नेन यशसायुना सावकभूरि पञ्यस वशेषूपगता इध। वो देवता बाकी देवताओं से ज्यादा वर्ण से, यश से, उम्र से ज्यादा है, भूरिपञ्ञ है। भूरिपञ्ञ, भूरिपञ्ञ मतलब गहरी प्रज्ञा, भूरिपञ्ञ कहते तथागत भगवान बुद्ध का नाम है। भूरिपञ्ञ तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य लोग मरने के बाद ऐसा जन्म लेके रहते हैं। इदं दिस्वान नन्दन्ति तावतिंसा सहिंदका तथागत नमस्संता धम्मस्सच सुधम्मतंति। ये देखने के बाद इंद्रजी इत्यादि तावतिंस देवताओं खुश हो जाते हैं, तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते रहते हैं, धर्म का आश्चर्य के बारे में हाथ जोड़ के नमन करते करते लोग बोलते रहते हैं देवताओं। तथागत भगवान बुद्ध जी हमेशा वो देवता खुशी से रहते हैं, हमेशा उन लोग बोलते हैं दिब्बा वात भोकाया परिपूरंति। अभी तो देवलोक भर जाएगा, हायंति असुरा काया, असुर लोग खाली हो जाएगा, हार जाएगा, पतन हो जाएगा। तथागत ऐसे बात करते रहते समय पूर्णिमा के दिन आकलाल है, ऐसा पूर्णिमा के दिन बात करते रहते समय क्या बात करते रहते समय देवलोक देवलोक में जो हाँ भगवान बुद्ध और धर्म के बारे में बात करते रहते समय खुशी मन से उत्तर साइड से बहुत बड़ा एक प्रकाश आ गया वायुश्रम जी का ऊपर से, उत्तर दिशा से बहुत बड़ा एक प्रकाश आ लगा करके। अभी कौन बोल रहे हैं? जानवर सब देवराज भगवान बुद्ध को बोल रहे हैं। तथागत ऐसा लाइट आ रहा था, लेकिन वो लाइट दिव्य प्रकाश से ज्यादा सुंदर है, देवलोक का लाइट नहीं है वो, देवलोक का लाइट से ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर है वो प्रकाश, बहुत प्रभास्वर है। उसी समय इंद्र जी सारे लोगों को आमंत्रित किया, बताया देव हे मारिस यानी देवता दोस्त, देखिए उत्तर दिशा चमकने वाले एक प्रकाश आ रहा है, ये कारण क्या है? अब कुछ देर में सनत कुमार ब्रह्म जी आने वाले हैं, कुछ देर बाद आते प्रकाश आने के बाद। हाँ, सनत कुमार ब्रह्म जी आने का कारण है वो, इसीलिए वो प्रकाश आ गया। तो सारे देवता अपना अपना कुर्सी पे आराम से बैठ गया, शांत हो गया। अभी सोच रहा है अभी प्रकाश आ गया, अभी ब्रह्म जी यहाँ जरूर पधारेंगे, अभी तो ब्रह्म जी का दर्शन करके ही दिव्य सभा में हम चल जाएंगे। नहीं, बहुत खुश हो गया सभी लोग। सनत कुमार ब्रह्म जी एक कठोर शरीर लेकर के सबके सामने प्राप्त हो गया। इसका मतलब देवताओं को ब्रह्म का शरीर दिखाई नहीं देता है, देवताओं को ब्रह्म का शरीर दिखाने के लिए कठोर शरीर लाना पड़ता है। लेकिन ब्रह्म देवलोक में आने के बाद बाकी देवताओं से ज्यादा बहुत ही सुंदर है। तो ऐसा आने के बाद बाकी सारे देवताओं अपने आसन से उठकर नमन किया, नमन करके सारे देवताओं अधिष्ठान किया यानी कि एक संकल्प लिया है, हे
ये ब्रह्म जी मेरा आसन पे बैठ गया तो कितना अच्छा है, इसका तो कौन है जन्मास्तव जी भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध जी अगर किसी का भी आसन पे ब्रह्म जी बैठ गया तो उन लोग इतना खुश होता है जैसे कि कोई राजा मुकुट पहन लिया जैसा, कोई राजकुमार मुकुट पहन लिया जैसा। राजकुमार मुकुट पहन कर क्या होता है, राजा बन गया, बहुत खुशी का बात है, उतना खुशी उत्पन्न होता है। तो उस समय सनक कुमार ब्रह्म जी जवान लड़का का रूप ले लिया, लेकर के पांच जटा बांध दिया, पांच जटा मतलब बाल, पांच करके एक दो तीन चार पांच इतना ऊंचा होगा करके बांध दिया, ऐसा बांध के जवान लड़का का रूप लिया। ऐसे करके ब्रह्म जी एक गाथा बताया, मोदंतिवत भो देवा तावतींसा सहिंद का तथागत नमस्संता धम्मस्य सुधम्मतां। ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए ब्रह्म जी क्या बोल रहा है, भवत देवता ये इंद्र जी इत्यादि सारे देवता बहुत खुश हो गया है, खुशी होते हुए सभी लोग भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, उत्तम धर्म की गुण को नमन करते करते सभी लोग रहते हैं। ब्रह्म जी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे नवे देवे च पसंता वन्नवंते असासिनी सुगतास्मिन् ब्रह्मचर्यं चरित्वा निदागते। सुगत तथागत भगवान बुद्ध के शासन में गुण धर्म सुरक्षा करके वापस देवलोक में आए हुए देवताओं बाकी देवताओं से ज्यादा सुंदर है, चमक रहा है। ते अन्य अतिरोचन्ति वन्नेन यशसायुना सावका भूरि पाण्या से विशेष उपगता। वो सभी लोग भूरि पाण्या तथागत भगवान बुद्ध के शासन में ही सील सुरक्षा किए हैं, श्रद्धा में रह गए, पुण्य किए, इसीलिए वे लोग सुंदर हो गए बाकी लोगों से ज्यादा, उम्र भी ज्यादा है, यशस भी ज्यादा है, चमक भी रहा है। इदं दिश्वान नन्दन्ति तावतिंस सहिंदका तथागतान नमस्संता धम्मस्य च सुधम्मतान्ति। ये देखने के बाद इंद्रजी इत्यादि सारे देवताओं खुश हो जाते हैं, सभी लोग खुशी होके तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, धर्म को नमन करते हैं, भगवान बुद्ध गुण बोल बोल के रहते हैं। इसके बाद जनवासव दिव्यराज बताते भगवान ये सनक कुमार ब्रह्म जी बात करते समय आठ प्रकार की आवाज निकलता है, उसको कहते हैं ब्रह्मस्वर। भगवान बुद्ध दोनों व्यक्ति के पास है, ब्रह्म जी और भगवान बुद्ध के पास ब्रह्मस्वर है। देखिए क्या है, कितना अंग है, आठ है। पहला है विसठो, विसठो मतलब जीभ तोतोलता नहीं, मतलब कभी कभी शब्द फलटता है ना, मतलब डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत आराम से हर एक शब्द निकल जाता है मुंह से, हर एक शब्द निकल जाता है, उसी शब्द करके भी नहीं होता है। एक बूंदा एक शब्द दो बार नहीं बोलता है, एकदम लगता है कंप्यूटर जैसा। दूसरा है विज्ञेयो, जो कुछ बोलता है हर एक शब्द दूसरों को समझ में आता है, हर एक शब्द। मांजू, मांजू मतलब बहुत मधुर है, वो मीठा आवाज है, खूबसूरत आवाज। चौथा सुवनीयो, सुवनीयो मतलब मन खींच लेता है। कान, हम लोग को सोचिए प्रवचन सुनते समय आप लोग खूबसूरत आवाज कहीं बज रहा है तुरंत उसमें जाता है ना, इसमें ऐसा नहीं, खूबसूरत आवाज यही है, इसीलिए सारे लोगों का कान उसी पे आ जाता है। पांचवा है बिंदु,
बिंदु मतलब वो आवाज अच्छे से मिल जाता है और ब्रह्म जी का मुंह से निकलने वाले आवाज अच्छे से मिल जाता है। छठा अविसारी आवाज और क्या कि फैलता नहीं है, जैसे कि हम लोग का आवाज इधर उधर फैल जा रहा है ना, वैसा फैलता नहीं है। गंभीर हो सतमा गंभीर है आवाज, गंभीर गंभीर मतलब लड़की का आवाज जैसा नहीं। आठवा निन्नादी, निन्नादी मतलब एको एको है, हाँ एको है, एको मतलब आवाज दो तीन बार सुनाई देता है ना, हम लोग कविता बोलते समय माइक से बनाता है ना, वो है निन्नादी। भगवान बुद्ध की माइक का जरूरत नहीं, ब्रह्म जी को भी जरूरत नहीं। तथागत भगवान बुद्ध जी आठ कारण ब्रह्म जी का आवाजों में है। तो सनम कुमार ब्रह्म जी 33 दिव्य कुमार लोग बैठ गए थे ना, उन लोग प्रार्थना की थी, मेरा बैठ गया था अच्छा है, अलग अलग आसन में बैठ गया, अलग अलग रूप लेके। अभी हर एक आसन में उसी देवताओं को लगता है मेरा आसन पे ब्रह्म जी बैठे हुए हैं, बाकी को लगता है मेरा आसन बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा। इसके बाद देवताओं को बता रहे हैं तंकिंग मन जानती बहन, तो आप लोग क्या सोचते हैं, या वंच सो भगवा बहुजन हिताय पटिपन्नो बहुजन सुखाय लोकानुकंपाया ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। भगवान बुद्ध सारे देव मानव का कल्याण के लिए ही जन्म लिए हैं, उन्होंने सारे लोगों का हित सुख के लिए ही पधारे हैं। तथागत भगवान बुद्ध जी सारे देव मानव का कल्याण मंगल के लिए सुख शांति के लिए ज्ञान की रास्ता बताते हैं। कौन बताते हैं? सनम कुमार, सनम कुमार ब्रह्म जी। फिर उन्होंने बताया ये ही केची वो बुद्धन शरणं गत धम्मं शरणं गत संगं शरणं गत सीलेषु परिपूरकारिणः। अगर जो कोई भगवान बुद्ध के शरण में गया तो, धर्म की शरण में गया तो, संघ की शरण में भी गया तो, सील भी सुरक्षा करेगा तो, सील मतलब काय सुचरित वाचे सुचरित मनो सुचरित। वे लोग मरने के बाद परिणमित वसवती देवलोक में जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं? कोई कोई लोग उससे नीचे, सबसे बड़ा देवलोक वही है, उससे नीचे कौन सा देवलोक है? निम्नानरति देवलोक में आते हैं। कोई कोई लोग तुषित में आते हैं, कोई कोई लोग याम में, कोई कोई लोग तावतींस में, कोई कोई चातुर महाराज के में जन्म लेते हैं। ये सब बनी नाम कायम परिपूरिंति। अगर उससे भी नीचे जन्म लेंगे तो गांधर्व लोक में जन्म लेते हैं। भगवान बुद्ध धर्म संघ के शरण हर में जाके सील सुरक्षा किया तो ये है जाने का जगह मरने के बाद। आप देखिए देवलोक में कैसा धर्म बातचीत कर रहा है, अभी समझ में आता है ना? देवलोक में भी देवता बातचीत करें भगवान बुद्ध की ज्ञान, इसीलिए भगवान बुद्ध को एक नाम बताते हैं, क्या है? सत्था देव मनुष्यान, सास्था यानी गुरु, किन का देव देवता, देव देवता मतलब ब्रह्म देव सब, मनुष्यान मानव का। सनम कुमार ब्रह्म जी अभी पूर्णिमा, हर एक पूर्णिमा ऐसा होता है, हर पूर्णिमा के दिन देवता देवलोक में चर्चा है, बुद्ध चर्चा। सनम कुमार ब्रह्म जी प्रवचन शुरुआत किया।
अभी देवताओं को लगता है, हर एक देवता को ब्रह्मा जी अपने साथ बात कर रहा है, बाकी लोग के साथ नहीं। शक्ति गया तो शक्ति को लगेगा ब्रह्मा जी शक्ति के साथ बात कर रहा है, वैसा है। बताएं पुण्यवान देवता, क्या आप लोग जानते हैं सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी हम लोगों को क्या सिखाया है? चार कारण सिखाया। कैसे भगवान बुद्ध को निमंत्रण करते हैं उन लोग? सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, जानता पश्यता अरहता सम्मा संबुद्ध। जानता मतलब सब कुछ जानते हैं, पश्यता सब कुछ देखते हैं, अरहता सम्मा संबुद्ध। देखिए देवता ब्रह्म जी कैसे निमंत्रण करते हैं, उन्होंने बताया वो भगवान बुद्ध जी हम लोगों को क्या सिखाया, चार कारण सिखाया है, वो है चार रिद्धिपाद। अभी देवताओं को सिखाता है चार रिद्धिपाद के बारे में। कैसे भगवान को चार रिद्धिपाद के बारे में बताया? इदो भिक्खु छंद समाधि पदान संकार समानागतं इद्धिपादं भावेति। यह बुद्ध शासन में भिक्षु छंद रिद्धिपाद को प्रयास करता है। छंद मतलब कुशल छंद, कुशल कुशल धर्म को बढ़ाने का संकल्प इच्छा, उसको कहता है काम छंद। काम छंद सॉरी सॉरी छंद रिद्धिपाद मिस्टेक हो गया। छंद रिद्धिपाद, छंद रिद्धिपाद मतलब कुशल धर्म को बढ़ाने का इच्छा, अकुशल को हटाने का इच्छा। कुशल धर्म को बढ़ाने के लिए, अकुशल धर्म को मिटाने के लिए वो क्या कर रहा है? बहुत इच्छा रख के सील सुरक्षा करता है, ध्यान करता है, वीर करता है। क्यों सील सुरक्षा करता है, ध्यान करता है, वीर करता है? कुशल को बढ़ाने के लिए और अकुशल को यानी कि पाप विचार को हटाने के लिए। इदे बोबी को वीर समाधि पदान संकार समन्नागतं इद्धिपादं भावेति। ये शास्त्र में भिक्षु वीर्यपाद बढ़ाता है। पहला क्या कौन सा रिद्धिपाद के बारे में बताएं? छंद रिद्धिपाद। आप लोग को रिद्धि सिद्धि दिखाना है तो ये करना है, ये है तो उनको दिखा सकते हैं। चार है तो पहला है छंद, छंद रिद्धिपाद। दूसरा है वीर्य रिद्धिपाद। छंद रिद्धिपाद आप लोग जान गए क्या है? छंद रिद्धिपाद कुशल को बढ़ाने का, अकुशल धर्म को मिटाने के लिए, कुशल धर्म को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? बहुत प्रसन्नता इच्छा है उसके लिए, वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, उसके लिए ही सील सुरक्षा करता है, उसके लिए ही ध्यान करता है, उसके लिए ही वीर्य करता है। दूसरा है वीर्य रिद्धिपाद, वो क्या है? कुशल धर्म प्रयास करने का वीर्य, अकुशल धर्म को मिटाने का वीर्य, जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है वैसा कुशल धर्म को बड़ा पाने का वीर्य। अभी तक जो उत्पन्न नहीं हुआ है अकुशल, उसी अकुशल धर्म को रोकने का वीर्य। ये वीर्य लेकर के वो अकुशल मिटाता है, कुशल बढ़ाता है। अकुशल मतलब अधर्म, कुशल मतलब धर्म। उसके लिए वो कुशल बढ़ा के ध्यान करता है और ध्यान करके वीर्य करता है, वो भी एक रिद्धिपाद है। उसको भी क्या कहता है? वीर्य रिद्धिपाद। इसके बाद
चित्त समाधि प्रदान संकार समन्नागतं इद्दिपादं भावेति। तीसरा है चित्त रिद्धिपाद। चित्त मतलब अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब दृढ़ संकल्प। हम आपको एक दिन बताए थे दृढ़ संकल्प मतलब कभी कभी दृढ़ संकल्प किसी का उत्पन्न होता है। हम अभी एक घंटा तक ध्यान करेंगे, ऐसा बैठने के बाद वो एक घंटा तक उठेगा नहीं, उसको क्या कहता है? संकल्प, अधिष्ठान। कभी कभी किसी का अधिष्ठान होता है ना, हम ये काम करके ही रुकेंगे। ऐसे करके काम बिना रुके हुए करता है। हम उधर जाके ही रुकेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। ऐसे करके पूरा उधर पूरा पैर दर्द दिया था भी चढ़ के ही रुक जाएगा, पहाड़ चढ़ के ही रुकेंगे। उसको अधिष्ठान कहता है। इसे अधिष्ठान लेता है, हम वो करके ही रुकेंगे। वैसा है एक अधिष्ठान है, बलवान अधिष्ठान है। हम ये अकुशल को हटा देंगे, बहुत बलवान अधिष्ठान है। हम ये कुशल धर्म को बढ़ा देंगे। वैसा बहुत बड़ा अधिष्ठान बलवान करके वीर करता है, वो चित्त रिद्धिपाद है। वो कौन सा रिद्धिपाद है? चित्त रिद्धिपाद। तथा ये बुद्ध शासन में वीमांसा समाधि प्रदान समान संखार समन्नागतं रिद्धिपादं भावति। वीमांसा रिद्धिपाद, वीमांसा मतलब योनिसु मनसिकार। योनिसु मनसिकार बलवान करके, पावर करके अकुशल को मिटाता है, कुशल धर्म को बढ़ाता है। कौन सा चीज से? योनिसु मनसिकार से। योनिसु मनसिकार करने से अकुशल हटा सकता है ना, कुशल धर्म बढ़ा सकता है ना। इसके बाद सनत कुमार दिव्यराज देवताओं को बोलते हैं, देवताओं ये रिद्धिपाद और कोई नहीं, हम लोग को समझाए हैं ये रिद्धिपाद, हम लोग को समझाए हैं सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले तथागत अरहत भगवान सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी हम लोगों को ये दिखाया चार रिद्धिपाद के बारे में। अतीत में जो कोई श्रमण लोग संत लोग रिद्धि सिद्धि दिखाया तो ये चार रिद्धि धर्म को बढ़ा के रिद्धि सिद्धि दिखाया। वर्तमान में भी कोई दिखाते हैं तो इसी कारण से दिखाते हैं, भविष्य में भी रिद्धि सिद्धि दिखाएंगे तो इसी कारण से। रिद्धि सिद्धि मतलब कोई कोई लोग पहाड़ के अंदर से जाता है, जमीन के अंदर जाता है, आसमान में जाते हैं, दूसरों को मन देखता है और आसमान में घूमता है, पानी में घूमता है, वैसा रिद्धि सिद्धि है ना। वो सब आप ही कर सकता है अगर आपके पास चांद रिद्धिपाद, वीर्य रिद्धिपाद, चित्त रिद्धिपाद, वीमंत्र रिद्धिपाद आपके पास है तो आप भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना चाहिए। बाद में हम अलग से आज रात बता देंगे चार रिद्धिपाद के बारे में, अच्छा समझ में आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है, आपको मेरा रिद्धिपाद दिखाई देता है? ब्रह्म जी पूछ रहा है। ब्रह्म जी दूसरा रूप ले लिया, हरे कासन बैठे हुए हैं सबका। हम ये जो कुछ रिद्धि सिद्धि करते हैं क्यों, कैसे हम करते हैं? क्योंकि मैं भी भगवान बुद्ध जी से उपदेश लेकर के छंद चित्त वीर विमांसा रिद्धिपाद बढ़ा दिया, इसीलिए मैं ऐसे कर सकता हूँ। पुण्यवान देवता, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी हमारा सुख मंगल के लिए, सुख पाने के लिए तीन मौका दे दिया है। तयो ओकाशाधिगम अनुबुद्धा सुखाशाधिगम आय।
सुखेरी विशेष तीन माह का दे दिया है। कोई हो सकता है काम ही संसार्थ हो, काम संपत्ति को जमा करके तथा अकुशल धर्म धर्म के साथ भी वो रहता है। काम संपत्ति में काम संपत्ति जमा करके अकुशल पाप पाप की रास्ता पे वो रहता है। उनको तथागत भगवान बुद्ध के कारण, भगवान बुद्ध के धर्म के कारण, कल्याण मित्र लोगों के कारण वो काम के साथ मिल के रहता है ना, अकुशल के साथ मिल के रहता है ना, उनको कल्याण मित्र संगत मिल जाता है। किसको मिल जाता है? काम के साथ रहता है, मतलब काम क्या है? पंच काम। पंच काम के साथ रहता है और अकुशल विचार मतलब मन की गंदगी के साथ रहता है ना, उनको भगवान बुद्ध के साथ मुलाकात होने के बाद, धर्म मिलने के बाद, संगत मिलने के बाद, तब उनको कल्याण मित्र संगत मिल जाता है। उनको ये आर्य सत्य धर्म सुनाई देता है, दुख के बारे में, दुख का कारण के बारे में, दुख का नाश के बारे में, दुख नाश करने का मार्ग, सील समाधि प्रज्ञा के बारे में सुनाई देता है। इसके बाद किनको सुनाई देता है? जो अकुशल धर्म के साथ रहता है, पंच काम के साथ रहता है, उनको सुनाई देता है। उनको ये धर्म सुनाई देने के बाद योनिसो मानसिकार होती, वो योनिसो मानसिकार करता है, यानी कि ज्ञान से मनन करता है। मनन करके धम्मानुधम्म पटिपाद्यति, धर्म की आचरण करता है। क्या करता है वो? धर्म की आचरण। कल्याण संगत मिलने के बाद उनको सब सुनाई देता है। इसके बाद योनिसो मानसिकार करता है धर्म के अनुसार। इसके बाद धर्म की आचरण, धर्म की आचरण करता है, सीलवान हो जाता है। इसका मतलब वो पहले किया कर कर करते करते रह गया हुआ गलती सब छोड़ देता है। सो आर्य धम्म सवनं आगम, वो आर्य धर्म सुनने के लिए आ गया है, आकर के योनिसो मानसिकार करके धम्मानुधम्म प्रतिपदा करके काम को बाद में वो क्या करता है, ऐसे धर्म प्रैक्टिस करने के कारण काम से मुक्त होता है, अकुशल धर्म से मुक्त होता है। इसी प्रकार अकुशल धर्म से मुक्त होकर काम से मुक्त कैसे होता है? प्रथम ज्ञान को आग से रूप देखने के बाद खुशी होते रहते उस रूप के कारण। अब ये क्या करता है? आग शांत कर दिया, अब खुशी उत्पन्न होने वाले रूप पर मनन नहीं है। कान से आवाज पहले सुनने के बाद खुशी होते रह गए उसे, अभी कान शांत किया, नाक भी शांत किया, जीभ भी शांत किया, शरीर भी शांत किया, पंच काम शांत किया है। ऐसे करके अकुशल धर्म मन में उत्पन्न होता है, वो भी हटा दिया। हटा के प्रीति सुख और चित्त एकाग्रता के साथ सुख भोगते रहता है, वो है पहला मौका। मतलब क्या है ये? पहला ध्यान, पहला समाधि के बारे में बताया सनन कुमार ब्रह्म जी। किसको बताए? सारे देवताओं को। कौन सी ध्यान के बारे में? प्रथम ध्यान। प्रथम ध्यान के बारे में। हाँ, और आधा घंटा है, बहुत अच्छा, दो घंटा और। आयंग इसके बाद सनन कुमार ब्रह्म जी बताया, इसी प्रकार भगवान बुद्ध की धर्म से भगवान बुद्ध हम लोग को मौका दे दिया। दुनिया में पंच काम संपत्ति है, उससे भी ज्यादा सुख पा सकता है, ये है उसके लिए पहला मौका। पहला मौका क्या है? पंच काम में मन जाना,
रोग की, फिर प्रथम ज्ञान उत्पन्न। इसके बाद और एक बताया, अकुशल धर्म हटा के कुशल प्रीति और सुख मन की एकाग्रता के साथ पहला ध्यान में आके रहता है। अब देखिए देवताओं को भी यही ज्ञान सुनाई देता है ना, तो देवताओं धर्म के रास्ते पे नहीं आएगा, देवता ध्यान नहीं करेंगे, करते हैं। इसके बाद सनम कुमार ब्रह्म जी बता रहे देव पुण्यवान देवता, अब हम आपको बताया हम लोगों को सुख दिलाने के लिए कुछ ज्ञान बताए उसी ज्ञान के बारे में। इसके बाद बताया और एक सुख है, वह सुख इसी प्रकार लाना पड़ता है। हम लोगों के पास तीन प्रकार की संस्कार हैं। कितने प्रकार के संस्कार हैं? तीन प्रकार की। पहला है काय संस्कार। पहला क्या है? काय संस्कार। दूसरा क्या है? मन संस्कार। वाची संस्कार। तीसरा क्या है? मन संस्कार। चित्त संस्कार। पहला क्या है? काय संस्कार। दूसरा क्या है? वाची संस्कार। तीसरा क्या है? मन संस्कार। चित्त संस्कार। काय संस्कार क्या है? शरीर से आश्वास प्रश्वास, श्वास लेना श्वास छोड़ना, वो काय संस्कार शरीर के साथ है। वो शांत हो गया हम लोग का नहीं है। इसके बाद वाची संस्कार क्या है? वितर्क विचार। बोलने के पहले हम लोग वितर्क करता है ना, विचार करता है ना, वो वाची संस्कार। बोलने के पहले वो कुछ कर, हम लोग कुछ बोलने के पहले सोचता है ना, सोच के बोलता है ना, वो वाची संस्कार। चित्त संस्कार क्या है? वेदना और पहचान, संज्ञा वेदना। चित्त संस्कार क्या है? वेदना मतलब सुख दुख उपेक्षा वेदना, और संज्ञा मतलब पहचान। ये भी शांत नहीं हुआ, ये सब कुछ कठोर है। आश्वास प्रश्वास यानी कि श्वास हम लोग को कठोर प्रकार से दिखाई देता है। वितर्क विचार भी कठोर ढंग से हम लोग के पास है। इसके बाद संज्ञा वेदना भी कठोर से है। इनको तथागत भगवान बुद्ध की धर्म सुनाई देता है। सुनने के बाद ये क्या कर रहा है? दो कारण, पहला योनिसो मानसिकार करता है, दूसरा धम्मानुधम्म पटिपदा धर्म की आचरण करता है। योनिसो मानसिकार करके धर्म की आचरण करने के बाद वो सील में रहते हुए ध्यान करना शुरू कर देता है। ध्यान करने के बाद वो कठोर आश्वास प्रश्वास मिहीन हो जाता है, श्वास मिहीन हो जाता है, कठोर वितर्क विचार मिहीन हो जाता है, कठोर पहचान और वेदना मिहीन हो जाता है। ऐसे मिहीन होने के बाद, शांत होने के बाद सुख, बहुत बलवान सुख प्राप्त हो जाता है। छोटा मोटा सुख नहीं, वो सुख भरने के कारण उत्तम सुख प्राप्त होता है। इसको भगवान बुद्ध ने, हम इसी सुख भोगने के लिए भगवान बुद्ध हम लोग को बता दिया है। अभी ये कौन सी ध्यान है? दूसरी ध्यान। अभी देवताओं कितना सुख के बारे में सीख गया? दो सुख के बारे में। पहला ध्यान, एक संस्कार शांत करके दूसरी ध्यान। पहले ये ऐसा सुख के बारे में नहीं जानते थे, ये कुशल है ये भी नहीं जानते थे, ये अकुशल है उसके बारे में भी नहीं जानते, ये गलत है वो भी नहीं जानते, ये सही है वो भी नहीं जानते, ये प्रयास करना चाहिए ये प्रयास नहीं करना चाहिए वो भी नहीं जानते थे, ये नीच है वो भी
नहीं जानती, ये उत्तम है, वो भी नहीं जानते थे, लेकिन उनको तथागत भगवान बुद्ध की धर्म सुनाई देता है। उसी धर्म पे है, ये है कुशल, ये है अकुशल, ये गलत है, ये सही है, ये नीच है, ये उत्तम है, ये करना चाहे, ये नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ सुनाई देता है। किन का ज्ञान में? तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान में। ऐसे सुनने के बाद वो भगवान बुद्ध के ज्ञान के अनुसार मनन करना शुरू कर देता है। ये है कुशल, ये है अकुशल, ये सेवन संगत करना चाहिए, ये संगत नहीं करना चाहिए, ये नीच है, ये उत्तम है, ये सही है, ये गलत है, ये संपूर्ण रूप से सही है, ये संपूर्ण रूप से गलत है, सब कुछ जान लेते हैं। किसका जान लेते हैं? भगवान बुद्ध की जान लेते हैं। गंदगी से ज्ञान जान जाते हैं। ये पहचान हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ये पहचान मिल जाता है एक चीज से, वो है कल्याण मित्र संगत से। दो प्रकार के कल्याण मित्र हैं। एक कल्याण मित्र संगत से धर्म की रास्ता से हट जाता है, दूसरा कल्याण मित्र संगत से धर्म की रास्ता आ जाता है, आगे बढ़ जाता है। बनते लोग वैसे दो प्रकार के बनते लोग, एक बनते लोग हैं धर्म की रास्ता पतन हो जाते उन लोग के साथ रहने से, दूसरा बनते लोग उन लोग के साथ रहने से बढ़ जाता है। गृहस्थ जीवन में ऐसा है ना, उजला कपड़ा पहन के रहे थे कोई कोई लोग, लेकिन सभी लोग सीधा नहीं, कोई कोई लोग सीधा है, कोई कोई लोग टेढ़े हैं। इसके बाद ऐसे पहचानने के बाद अविद्या पाहि, अविद्या नष्ट होके आर्य सत्य प्राप्त करने के लिए वो तैयार हो जाता है। अभी सनन कुमार ब्रह्म जी क्या बोल रहे थे, क्या सही है क्या गलत है, क्या संगत करना चाहिए क्या संगत नहीं करना, सब कुछ वो जान लेता है। जान के वो जरूरी वो लेता है, जो गलत है वो छोड़ देता है। ऐसे छोड़ने के कारण बहुत खुशी और प्रीति उत्पन्न होता है। ऐसे गलत जो सब कुछ है, सब कुछ छोड़ने के कारण बहुत बड़ा प्रीति और सुख उत्पन्न होता है, वो है तीसरा ध्यान सुख। तीसरा सुख आप देखिए, महाब्रह्म जी देवताओं को क्या ज्ञान देता है। यहाँ के लोग सोचते हैं महाब्रह्म जी प्लान करता होगा और एक धरती बनाने के लिए, देव मानव का कल्याण के लिए, वरदान देने के लिए, है ना। महाब्रह्म जी को पुक वगैरह नोचता तो नहीं है, वो सब करते रहेंगे। महाब्रह्म जी अभी देखिए क्या कर रहे हैं महाब्रह्म जी ब्रह्मलोक में, ना खुद ब्रह्मलोक में ध्यान करके पूर्णिमा के दिन देवताओं के पास आता है प्रवचन देने के लिए। कौन से प्रवचन? जो भगवान बुद्ध ने अपना मुंह से निकाला वही ज्ञान। ब्रह्म जी अनागामी है, इतना बड़ा हो कि वैसे ही देते हैं। देखिए एक उपदेश में है चार वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार कुल के लोग काय दुश्चरित किया तो, वाची दुश्चरित किया तो, मनो दुश्चरित किया तो, यानी कि शरीर मन वाणी से पाप किया तो ब्राह्मण लोग देवताओं के पास जाएगा नहीं, वो भी नरक में चार अपाय में। क्षत्रिय लोग
उन लोग भी नरक में चार अपाय में, वैश्य लोग उन लोग भी नरक में चार अपाय में, शूद्र लोग उन लोग भी वैसे ही। अगर ये चार जात के लोग काय सुचरित है, वाची सुचरित है, मनो सुचरित हो गया, यानी कि शरीर से मन से वाणी से अच्छा आचरण किया तो सब देवी, सिर्फ ब्राह्मण लोग जाते हैं, ब्राह्मण लोग देवताओं के पास नहीं, सभी लोग जा सकता है। ऐसा है तो अच्छे से पता चलता है आदमी आचरण के अनुसार महान होता है, जन्म के अनुसार नहीं, नहीं। तो बोल रहे हैं देव पुण्यवान देवता भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार तीन प्रकार सुख पाने के लिए हम लोगों को बताया है। कोई कोई लोग कहता है हम लोग तो पाप करता नहीं इसलिए हम लोग उतना पुण्य करना जरूरत भी नहीं, ऐसे भी सोचता है ना। कोई कोई लोग बोलता है हम लोग तो कोई पाप नहीं करते इसलिए सील सुरक्षा करना जरूरत नहीं, उन लोगों से बहुत बड़ा गलती है। ऐसे सोच के हम लोग तो ठीक है नॉर्मली हम सील सुरक्षा करके रहते, ऐसे करके चुप होने वाले लोग बहुत बड़ा पुण्य कमाने का मौका उन लोग से छूट जाता है, बहुत बड़ा पुण्य करने का मौका उन लोग से छूट जाता है। प्रिंस आप लोग भी ऐसा है ना, आश्रम के भी कोई कोई बच्चे लोग पुण्य करते समय अच्छे से पुण्य करता है, छोड़ने के बाद छोड़ दिया, फिर घाटा क्या है उसी जो गैप होता है ना बिना पुण्य करके रहने का समय का गैप, फिर कभी आएगा नहीं मरने तक। हम लोग कभी पुण्य करे बहुत कम पुण्य करता है, जितना करना है करना चाहिए। भगवान बुद्ध के शासन में सिर्फ भगवान बुद्ध रह गया तो पर्याप्ति हो जाता है। पर्याप्ति मतलब भगवान बुद्ध की ज्ञान, भगवान बुद्ध की ज्ञान सिर्फ बुद्ध शासन में ही होता है ना। पर्याप्ति है तो प्रतिपत्ति हो जाता है, ज्ञान धर्म की ज्ञान रहेगा तब ना लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रतिपत्ति मतलब प्रैक्टिस, प्रतिपत्ति होगा तो प्रतिवेद उत्पन्न होता है। प्रतिवेद मतलब सोतापन सकदागमी अनागमी रिजल्ट। पहला चाहिए क्या, पर्याप्ति। पर्याप्ति मतलब, पर्याप्ति मतलब भगवान बुद्ध की ज्ञान। दूसरा प्रतिपत्ति मतलब प्राप्ति, प्रैक्टिस। तीसरा प्रतिवेद यानी कि रिजल्ट, फल। तो बता रहे थे पुण्यवान देवता सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले तथा भगवान बुद्ध कुशल बढ़ाने के लिए अकुशल को मिटाने के लिए चार सतिपट्ठान दिखाया। पहले देवताओं किसके बारे में सीखा, चार ध्यान रिद्धिपाद के बारे में सीखा, इसके बाद दूसरे में सुना ध्यान, तीन सुख के बारे में, ध्यान 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 की बोल रहा है, तीन सुख के बारे में सुना, अभी सुनने जा रहे हैं चार सतिपट्ठान के बारे में। कुशला साधि गमाय, कुशल को बढ़ाने के लिए भगवान बहुत सुंदर से चार सतिपट्ठान दिखाया। पहला है कायानुपासना में रहना है, क्लेश गंदगी को मिटाने का हिम्मत लेके और मन की जो इच्छा होता है वो उसको कंट्रोल करके वो रहता है कैसे, संपजानु ज्ञान से मनन करके रहता है, सतिमा होश में रहता है,
विनय लोक अभिजा दो मनस दुनिया का आसक्त होना और घृणा होना में जाता नहीं है, नहीं आसक्त होता है नहीं घृणा होता है। वैसा करके वो कायानुपासना में रहता है। कायानुपासना में भगवान को 14 ध्यान सिखाया। कितना ध्यान? 14 ध्यान। श्वास के बारे में एक ध्यान सिखाया, वो क्या है? आनापानसति। या इरियापतक यानी कि आते जाते समय होश में रहना है। या संपजन्य इस बात अशुभ धातु मानसिकार नवसीवतिक वही 14 नवसीवतिक 9 है। इसी प्रकार करने से मन की सारे काम विचार हट जाता है, प्रीति एवं सुख उत्पन्न होता है, समाधि उत्पन्न होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार अपना शरीर के बारे में जैसा देखता है उसी प्रकार दूसरों का शरीर के बारे में भी देखता है। अशुभ ध्यान में अपना शरीर के बारे में भी देखना चाहिए, फिर दूसरों का भी देखना चाहिए। वैसा ही वेदनानुपस्सना वेदनासु वेदानुपस्सी विहरति वेदनानुपस्सना में रहता है। वेदनानुपस्सना क्या है? सुख दुख उपेक्षा वेदना वेदना के अनुसार वो रहता है। आतापि क्लेश गंदगी को मिटाने का हिम्मत लेके संपजान ज्ञान से मनन करके सतिमा होश में तीन प्रकार का सतिपट्ठान में हमेशा आपको तीन चीज मिल जाएगा। आतापि संपजान सतिमा पहला क्या है? आतापि दूसरा संपजान तीसरा सतिमा। पहला क्या है? आतापि मतलब क्या है? वीर क्लेश को अकुशल को मिटाने का वीर उसको आतापी। दूसरा संपजानो संपजान मतलब ज्ञान दिमाग इस्तेमाल ज्ञान इस्तेमाल करके रहना योनि से मानसिकार में रहना संपजान सतिमा होश में रहना। ये तीन चीज नहीं है तो सतिपट्ठान में जाना असंभव है। इसका चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति चित्तानुपस्सना में रहता। चित्तानुपस्सना मतलब मन में उत्पन्न होने वाले विचार के अनुसार वो उस विचार पे बिना आसक्त होकर रहता है। रागी चित्त है तो उसके अनुसार, विरागी चित्त है तो उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के विचार मन उत्पन्न होता है ना, उसी प्रकार वो मनन करके उसको हटा के रहता है। उसके लिए भी चाहिए आतापि संपजान सतिमा। इसके बाद वो धम्मानुपस्सना में रहता है। धम्मानुपस्सना मतलब क्या है? पंच निवरण के बारे में, पंच उपादान स्कंद के बारे में, छह आयतन के बारे में, सप्त भुजंग के बारे में, चार आर्य सत्य के बारे में वो मनन करके रहता है। तो अभी देखिए देवलोक में देवताओं कौन सी ज्ञान सुन रहा है? यही ज्ञान जो आप लोग सुन रहा है नॉर्मल बार बार, वही ज्ञान ही देवताओं भी सुनने वाले ज्ञान। ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे सब ज्ञान। इसके बाद सनम कुमार ब्रह्मा जी बताए पुण्यवान देवता सब कुछ जानने वाले सब कुछ देखने वाले तथागत भगवान बुद्ध सम्मा समाधि को सहायता करने वाले कारण बताया। सम्मा समाधि के बारे में बताया समाधि परिष्कार समाधि पाने के लिए 7 कारण का जरूरत है। सम्मा समाधि को पाने के लिए 7 कारण का जरूरत है। देवताओं को बता रहे क्या आप लोग जानते हैं समाधि परिष्कार क्या है? समाधि परिष्कार 7 हैं। पहला है सम्मादिट्ठि, दूसरा है सम्मा संकल्प, तीसरा सम्मा वाचा, चौथा सम्मा कम्मन्त, पांचवा सम्मा आजीव, छठा सम्मा वायाम, सातवां सम्मा साथी। ये 7 कारण हैं सम्मा समाधि के लिए सहायता करने वाले। समाधि इसके बाद समाधिट्ठि मतलब क्या है? 4 आर्य सत्य के बारे में ज्ञान वो है समाधिट्ठि। दुखार सत्य दुख समुदय ज्ञान दुख निरोधे ज्ञान दुख निरोध गामिनी पटिपदा ज्ञान 4 आर्य सत्य के बारे में ज्ञान
सम्मा दिट्ठि है, ज्ञान होना चाहिए। समाधिट्ठि अगर है तो उनको आयतन के बारे में जानकारी है, पंच उपादान स्कंध के बारे में जानकारी है, पटी संपाद के बारे में जानकारी है, आरिष्टांगिक मार्ग के बारे में भी जानकारी है। इनको सम्मा संकल्प उत्पन्न होता है। सम्मा संकल्प क्या है? निकम संकल्प। निकम संकल्प अव्यापार। निकम संकल्प मतलब पंच काम से मुक्त होने के बारे में संकल्प। अव्यापार वायर क्रोध नफरत बदलाव लेना उसी से हटना, वो अव्यापार संकल्प। इसके बाद अहिंसा संकल्प, दूसरों को हिंसा पीड़ा करने से हट जाना, अहिंसा संकल्प। सम्मा संकल्प उत्पन्न हो गया तो उनको सम्मा वाचा उत्पन्न होता है। क्या सम्मा वाचा? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, फालतू बात नहीं, कठोर नहीं बोलना, आलतू फालतू बात नहीं करना। जिसके पास सम्मा संकल्प है तो उनको सम्मा वाचा उत्पन्न होता है। तो मिच्छा वाचा उत्पन्न होता है मिच्छा संकल्प से, है ना? काम के बारे में सोच के, क्रोध नफरत के बारे में सोच के, दूसरों को पीड़ा दुख देने के बारे में सोच के रहने वाले लोग झूठ बोलता है, चुगली करता है, इसके बाद गाली देता है, फालतू फालतू बात करते रहता है। अब समझ लीजिए कौन मजाक करते रहता है, ऐसे लोग। जैसा मन वैसा काम। इसके बाद सम्मा कम्मंत। सम्मा वाचा है तो सम्मा कम्मंत में रहता है, अपना काम के अनुसार किसी को परेशान होने नहीं देता है, वो सम्मा कम्मंत। जिसके पास सम्मा कम्मंत है उनको सम्मा आजीव उत्पन्न होता है। सम्मा आजीव मतलब गलत ढंग से, अधार्मिक ढंग से जीवन नहीं बिताता है, सही ढंग से कमाता है, सही ढंग से बिताता है, धार्मिक। इसके बाद सम्मा कामंत है तो उनको सम्मा आजीव है तो उनको सम्मा व्यायाम उत्पन्न होता है। सम्मा व्यायाम मतलब कुशल को बढ़ाने के लिए, अकुशल को मिटाने के लिए वीर करता है। इसके बाद सम्मा व्यायाम है तो उनको सम्मा साथी उत्पन्न होता है। सम्मा साथी मतलब हमेशा होश में रहना, चार सतपठान के अनुसार रहना। उनको सम्मा समाधि उत्पन्न होता है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान। समाधि के लिए सहायता करने वाले चार सात कारण समझ गया। जिसको सम्मा समाधि है उनको सम्मा ज्ञान उत्पन्न होता है, निर्वाण की ज्ञान। जिसके सम्मा ज्ञान है उनको सम्मा विमुक्ति उत्पन्न होता है। सम्मा ज्ञान जिसके पास है तो वो ऐसा बोलना चाहिए, स्वाका तो भगवता धर्म, भगवान बुद्धि के धर्म अच्छा से बताया, संदिट्टि को इसी जन्म में ही देख सकता है, अकाली को समय समय पर बदलता नहीं है, यही पासी को किसी को भी आके देख सकता है, अपना ही को अपना कर ही देखना चाहिए, पश्चातमेव तद्विन्यो ही अपने अपने ज्ञान के अनुसार देख सकता है, पा सकता है। तो देवताओं इसी धर्म को कहता है अपारता ते संग अमृता से द्वारा, अमृत द्वार खुल गया, विवृत हो गया, अमृत दरवाजा खुल गया। मुंह धो लीजिए, पानी से ये लग जाएगा, पानी से फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद देवताओं भगवान बुद्ध के बारे में
बिना हिल के प्रसन्न मन से रहते हैं, और धर्म के बारे में भी बिना हिल के प्रसन्न मन से रहते हैं, संघ के बारे में भी बिना हिल के प्रसन्न मन से रहते हैं, सील भी सुरक्षा करते हैं। उसी देव सभा में मगध में जो पहले पिछले जन्म मगध में थे ऐसे लोग भी हैं। चौबीस लाख सोतापन सकदागामी देवताओं हैं। चौबीस लाख सोतापन अविनिपात दामो नियतो संबोधि परायण जरूर विमुक्ति प्राप्त करेंगे। मगध के लोग, मगध में 24 लाख, हाँ सिर्फ सोतापन लोग, उसके बीच में सकदागामी लोग भी हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता नहीं है सकदागामी लोग कितना है, क्योंकि मुझे झूठ बोलने में डर लगता है। कौन बोलता है? सनक कुमार ब्रह्म जानवा सब। सनक कुमार ब्रह्म जी सब जानते हैं, भगवान बुद्ध के बोले जानवा सब जी। सोतापन्न लोग 24 लाख है मगध में रह के गया। सकदागामी लोग बहुत थे, लेकिन संख्या बोलने में हमको डर लगता है। झूठ बोलने में डर लगता है। आप देखिए धर्म की रास्ता पे पक्का होने वाले लोग, धर्म की रास्ता पे आगे बढ़ने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलता है मतलब अभी तक वो बहुत पीछे है, पीछे मतलब अभी तक मिथ्या दृष्टि में या तो फिर दूसरा धर्म पे, भगवान गति के रास्ता पे नहीं के बराबर। इसके बाद सनम कुमार ब्रह्म जी का ये सारे बात सुनने के बाद ऐसा विचार उत्पन्न हो गया, आश्चर्य मत बहुत आश्चर्य है, बहुत अद्भुत है, इतना उत्तम महान शास्त्र गुरु इस धरती पे है ना अभी। इसी प्रकार नॉर्मल आम आदमी का जीवन विशेष बना देता है, चार अपाय से मुक्त करवाता है, सुख दिलाता है, विशेष अनुबोध में ले जाता है। क्यों ऐसे भगवान बुद्ध के बारे में देवता प्रसन्न हो गया? सारंग ब्रह्म जी हमेशा प्रवचन देते समय भगवान बुद्ध के नाम लेते हैं, सब कुछ जानने वाले सब कुछ देखने वाले भगवान बुद्ध ने बताया। कभी ब्रह्म जी अपना ज्ञान जैसा बताता नहीं है, भगवान बुद्ध के नाम लेके भगवान बुद्ध के ज्ञान बताते, इसीलिए लोग भगवान बुद्ध के प्रति प्रसन्न होता है। सनम कुमार ब्रह्म जी वैष्णव देवता का मान की विचार देख लिया, देख के बताता है वैष्णव जी अतीत में भी ऐसे ही थे, अतीत में भी थे भगवान बुद्ध लोग, विपासी सिखी वैष्णव ककुसान कोनागमन काश्यप, वो भगवान बुद्ध लोग भी ऐसे ही थे, सारे लोग को सुख दिया, उत्तम बनवाया, विशेष करवाया, सारे लोगों को मुक्ति दिलाया, सारे लोगों को नरक इत्यादि दुर्गति से बचा लिया। ये सारे विस्तार किसने बता दिया? जानवासर देवराज भगवान बुद्ध को आके बताया। अब देखिए पूर्णिमा के दिन क्या हो रहा है देवलोक में। दूसरी कारण क्या, विशेष कारण, सारे के सारे देवताओं भगवान बुद्ध को अच्छा बोलता है, अपार तामस द्वारा अमृत द्वार खुल गया, अभी ज्ञान हर जगह फैल जाएगा। अभी नादिका गांव में ईटा से बनाया हुआ झोपड़ी में गुफा में रहते हुए उपदेश दे दिया है। इसके बाद ऐसे आनंद बंते जी को सारे विस्तार
भगवान ने बताया आनंद बांति जी भिक्षु भिक्षु पास पास का सभी लोगों को ये विस्तार करके बता दिया बताया थाईदं ब्रह्मचर्यं इद्धं चैव सम्मा संबुद्ध शासन बहुत समृद्धिवान है। फितं चैव सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। विथारितं हर जगह फैल जाते हैं। बाहुजन्यं बहुत सारे लोगों के बीच में। पुतभूतं यावदेव मनुष्येषु सुप्रकाशितं देव मानो सभी लोग बातचीत करते रहते हैं। अभी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया जन्माष्टमी सूत्र में क्या है, समझ में आ गया ना। अभी इसके बाद आप लोग सीख गया है देव देवलोक में क्या चर्चा चल रहा है। देवलोक में दूसरों को मारने काटने पीटने के लिए चर्चा नहीं चलता है। देवलोक में ज्ञान की बात चल रहा है। और मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाएगा यार, शुद्ध कुछ है ना। देवलोक में हमेशा ब्रह्म जी पूर्णिमा के दिन प्रवचन देते हैं, वो भी पारिशुद्ध प्रवचन। अपना विचार नहीं, हर एक प्रवचन भगवान बुद्ध के नाम लेते हैं, जानता पश्यता अर्हता सम्मा सम्बुद्धो ऐसा लेते हैं भगवान बुद्ध के नाम हमेशा। हम लोग सिर्फ भगवान बुद्ध कहते हैं। देखिए ब्रह्म जी कैसा नाम लेते हैं, जानता जान सब कुछ जानने वाले, पश्यता सब कुछ देखने वाले, अर्हता सारी चीज से मुक्त हुए, सम्मा सम्बुद्ध सब कुछ प्राप्त किए हुए भगवान बुद्ध। हम लोग कहते सिर्फ भगवान बुद्ध, और लोग कहते गौतम बुद्ध, और कहते महात्मा बुद्ध। हम लोग कितना नीच है ना, देवता हम लोग से कितना महान है, ब्रह्मा हम लोग से कितना महान है। उन लोग हम लोग जैसा ज्ञान जानते हैं हम लोग से ज्यादा। उन लोग भगवान बुद्ध कैसे निमंत्रण करते हैं, बोलते हैं कैसे, भगवान बुद्ध के नाम उच्चारण कैसे करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी अगर उसी ब्रह्मलोक में देवताओं के पास जाना है तो रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बिना डर के सारे लोगों को तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र रास्ता पर रहकर सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु, साधु, साधु।